लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। इसके बारे में पहले केंद्र सरकार ने नियम कानून जारी किए, इसके बाद राज्यों ने भी अपनी जरूरतों के हिसाब से दिशा निर्देश जो है बता दिए हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट के चलने को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि कब बसें चलेंगी, चलेंगी भी कि नहीं चलेंगी, और चलेंगी तो क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि केंद्र ने क्या कहा था। केंद्र सरकार ने अपने दिशा निर्देश में तीन बातें कही थी। अव्वल तो ये कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच गाड़ी और बसें चलना, इस बारे में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आपसी सहमति से यात्री गाड़ियां और बसें चला सकते हैं, यानी दो राज्य सहमत हों तो उनके बीच बसें एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकती हैं। दूसरी चीज थी इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट यानी कि राज्यों के अंदर गाड़ियों और बसें चलना, यानी एक जिले से दूसरे जिले में बसों का जाना, शहर के अंदर बसें चलना, ये फैसला भी राज्यों पर छोड़ दिया गया था। तीसरी चीज, गाड़ियों और बसों में लोगों के सफर के लिए नियम पहले बताए जा चुके थे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, मास्क पहनना होगा, बस में कुल क्षमता में कम ही यात्री बैठ सकते हैं, जैसे कि 50 सीटर अगर ये बस है तो ज्यादा से ज्यादा इस बस के अंदर सिर्फ 25 लोग बैठ सकते हैं। राज्यों को ध्यान रखना होगा कि कंटेनमेंट जोन में ट्रांसपोर्ट में किसी तरह की गतिविधि की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट मतलब ऐसे इलाके जहां पर कोरोना मरीज या कोरोना के मामले हैं, मतलब एक से ज्यादा मामले हैं। साथ ही सुबह 7 से शाम के 7 बजे के बीच ही बसें चलाई जा सकती हैं। अब जान लीजिए कि राज्यों ने क्या फैसला किया है। दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने बसें चलाने की परमिशन दे दी है, लेकिन बसों में एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। साथ ही यात्रियों का तापमान भी जांचा जाएगा। अभी नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे दूसरे राज्यों के शहर के लिए बसें नहीं चलेंगी। इस बारे में कहा गया है कि यूपी और हरियाणा सरकारों से बात करी जाएगी। उसके बाद पंजाब, यहाँ पर भी राज्य के अंदर बसें चलाने को हरी झंडी मिल गई है। 20 मई से बसें सड़क पर दौड़ने लगेंगी। बसों के अंदर एक बार में कुल क्षमता के आधे यात्री ही बैठ सकते हैं, यानी बस में अगर 40 सीट है तो सिर्फ 20 लोग बैठ सकते हैं। दूसरे राज्यों में बसें भेजने या वहां की बसों को अपने यहाँ आने देने पर फैसला 31 मई के बाद होगा। राजस्थान, राज्य के अंदर बसें चलाने की परमिशन जारी हो गई है, लेकिन अभी बसें उन्हीं रास्तों पर चलेंगी जिनके लिए गृह विभाग अनुमति देगा। रेड जोन और कंटेनमेंट जोन वाले जो इलाके हैं इसमें बसें नहीं चलेंगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस चल सकती है। ग्रीन जोन में आने वाले शहरों के अंदर भी बसें चलेंगी। दूसरे राज्यों में बसें जाएंगी या नहीं इसको लेकर के अभी फैसला नहीं आया है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर अभी तक दूसरे राज्यों के लिए बस लाने की परमिशन जारी नहीं हुई है, ना ही दूसरे राज्यों से बसें आने की अनुमति है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले के लिए बसें चलाई जाएंगी, लेकिन कब कैसे इस पर अलग से आदेश जारी होगा। बिहार, राज्य सरकार ने अभी बसें चलाने की परमिशन नहीं दी है, यानी ना तो राज्य के अंदर बसें चलेंगी और ना ही राज्य से बाहर कोई बस आएगी या फिर जाएगी। मध्य प्रदेश, अगले एक सप्ताह तक बसें नहीं चलेंगी, ना राज्य के अंदर ना ही बाहर। एक सप्ताह बाद बसें चलने को लेकर के फैसला किया जाएगा। हरियाणा, रोडवेज बसें शुरू कर दी गई हैं। 19 मई से बसें चलना शुरू हो गई हैं। दूसरे राज्यों के लिए बसें चलाने को भी मंजूरी दे दी गई है। दूसरे राज्यों से बसें आ भी सकती हैं, इसके लिए बाकी राज्यों से बात भी की जाएगी। हर बस में 30 सवारियां बैठेंगी। हिमाचल प्रदेश, बसें नहीं चलेंगी, आने वाले समय में कोरोना के मामलों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। गुजरात, राज्य के अंदर बसें चलाने की परमिशन है, राज्य के बाहर अभी बसें ना तो जाएंगी और ना ही आएंगी। कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर शहर के अंदर भी बसें चल सकेंगी। झारखंड, राज्य के अंदर बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी राज्य के बाहर बसें नहीं जाएंगी। चंडीगढ़, केवल नॉन एसी बसें चलेंगी। पंजाब, हरियाणा की सहमति मिलने पर वहां के लिए भी बसें चलेंगी। इनके अलावा बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से भी बसें चलाने की अनुमति दे दी गई है। अभी बसें राज्य के अंदर ही चलेंगी। महाराष्ट्र ने अभी बसें चलाने को मंजूरी नहीं दी है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।